नमस्कार मोहित नीरज अमित रोहित मेरी आवाज़ ऑडियो वीडियो सब आपको ठीक मिल रहा है आज काफ़ी तकनीकी दिक्कतें थी आपको नौ बजे के टाइम पे दिखाई नहीं होगा उसमें ये सब थोड़ा रहता है मसला आवाज़ वगैरह सब साफ आ रही है गुड इवनिंग गुड इवनिंग एक बार गो अहेड कर दें फिर आगे बढ़ते हैं ज एवरीथिंग ऑल राइट सब ठीक आ रहा है खासतौर से ऑडियो ठीक है ठीक है ओके चलिए बात को शुरू करते हैं आज काफ़ी समय निकल गया लेकिन मैं एक बार बहुत ब्रीफ में आपको परिचय करा दूं अन आर्टिकुलेट जिस चैनल से हम कनेक्ट हो रहे हैं अनएकेडमी सात तारीख से नए बैचेस 2021 22 और 23 के लिए शुरू कर रहा है अगर किसी को सहायता की इस परीक्षा में मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आप इन बैचेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो आपको यहाँ पर एक साथ मिल रहे हैं सबका जो जिस विषय में जहाँ आपको बेस्ट लगे आप उसका उपयोग कर सकते हैं यू हैव अ लॉट ऑफ इतने टीचर्स अगर हैं इसके अलावा भी क्योंकि तो कितने नाम लिखे जाते तो बहुत सारे टीचर्स हैं और आप उन सबको एक साथ जहाँ आपको ठीक लगे तो कोई लिमिटेशन नहीं है जो कि आपको बाकी विकल्पों में होता है हिंदी इंग्लिश बाइलिंग्वल सब तरह के भाषाई विकल्प भी हैं तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं चलिए। जैसे परंपरा हमने अब बना ली है पहले मैं कुछ आज थोड़ा समय भी ज़्यादा तकनीक के चक्कर में निकल गया अवनीश गुड इवनिंग तो हम लोग बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमने जो विषय करे उसको हम थोड़ा सा प्रश्नों के माध्यम से भी देख सकें तो मैं शुरू में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू पहले आपसे संवाद कर रहा हूँ इन विषयों को हम लोग समझ रहे हैं फिर अगर समय रहा तो मैं फुल फ्लजेड अलग से विषय भी आपसे चर्चा करूँगा अभी मैं एक दो दिन पहले आपसे चर्चा कर रहा था इस साल जो आर्थिक मुद्दे कंसेप्चुअल मुद्दे जिन पर प्रश्न बहुत हद तक अपेक्षित होंगे उनमें से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी लैब और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एम इस पर काफ़ी सवाल अपेक्षित हैं मैंने अभी पढ़ाया है दो तीन दिन पहले आपको देखता हूँ कितना आप रिकॉल कर पाते हैं जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए दो कथन है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को लेकर यह एक आपातकालीन व्यवस्था है जिसमें अनुसूचित बैंक जो हैं शेड्यूल बैंक ये आरबीआई से पैसा ले सकते हैं बोरो कर सकते हैं इस व्यवस्था को एल कहते हैं और दूसरा कथन है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक उपकरण है जो आर जिसको उपयोग में लाता है और इसके थ्रू बैंक्स को वो बोरो करता है ठीक है अलाउ द बैंक टू बोरो मनी और इसमें रिपर्चेज अग्रीमेंट रिपर्चेज अग्रीमेंट्स का उपयोग किया जाता है तो जवाब आने लगे हैं रौनक कह रहे हैं ए मतलब सिर्फ पहला कथन सही है अवनीश कह रहे हैं बी दूसरा कथन सही है अमित कह रहे हैं सी उससे पहले केशव डी कह रहे हैं तो हमारे पास सारे विकल्प है जो दिखाता है कि मामला फंसा हुआ है ठीक है सी पर अमित और नीरज दो लोग हैं बाकी ए बी डी में केशव ने डी बोला है डी का मतलब है दोनों कथन गलत हैं अब देखिए मैं फिर आपसे अनुरोध करूँगा कि बात प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एक कॉन्सेप्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है फैक्चुअल नहीं है कंसेप्ट पूछा है आपसे ठीक है ये नहीं पूछा कि एल कब से शुरू हुआ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पर ये कब से विचार आया ये नहीं पूछ रहा है कंसेप्ट है दोनों का अब हार्ड कोर कंसेप्ट क्या होता है बुनियादी सवाल इतना आसान आता भी है लेकिन हम उम्मीद ना करें कि इतना आसान सवाल होगा पर उसमें भी हम लोग देखिए एक चीज़ जो दो दिन पहले पढ़ी वो भी गड़बड़ अगर हो रही है थोड़ा सा अपने विचारों को अपनी अंडरस्टैंडिंग को उस पर काम करने की ज़रूरत है है ना जानती हुई चीज़ भी अगर हम गलत कर रहे हैं बुनियादी इतना महत्वपूर्ण विषय तो अभी समय है मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूं लेकिन यही अब रिवीजन कर करके चीजों को पूरा साउंड करिए तभी आप समझ पाएंगे का उत्तर था डी दोनों चीजें गलत आपको उल्टा कर दिया गया इनफैक्ट ठीक उल्टी चीजें थी दोनों लैफ आपको क्या बताया था एक टूल है जिससे आरबीआई क्या करता है मनी सप्लाई को इकॉनमी में कंट्रोल करता है नॉर्मल टूल ठीक है इट इज़ अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल मौद्रिक नीति का एक बहुत स्थापित उपकरण है जिसमें बैंक्स को बोरो करने की आज़ादी है और इसके लिए उनको रिपर्चेज अग्रीमेंट्स इसीलिए इसको रेपो और रिवर्स रेपो कहा जाता है ठीक है इसके थ्रू ये सारा फैसिलिटी चलती है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में हमने बात करी थी कि ये एक बहुत स्पेशल ओवरनाइट हमने बात करी थी अगर याद हो बहुत इमरजेंसी सिचुएशन जब इंटर बैंकिंग जो लेन देन है उसमें दिक्कत आ जाती इंटर बैंक्स अपना आपस में लिक्विडिटी जो भी उनको ज़रूरत होती है एक दूसरे से सहयोग करके वो काम चलाते हैं पर अगर वो इंटर बैंकिंग जो बोरोइंग है उसमें प्रॉब्लम हो तो आर स्टेप इन करता है और ये तभी होता है जब एक्यूट कैश शॉर्टेज हो और ये भी हमने देखा था कि जो एम एस एफ में जो रेट होती है आर बी आई जब पैसे देता है तो जो रेट होती है इसमें इट इज ऑलवेज हायर देन रेपो रेट ठीक है तो लैफ में और एमएसएफ में कंपेरेटिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं हमने उसको चर्चा करी थी उसको दोबारा से अच्छे से करिएगा इस पे प्रश्न आए तो अब गड़बड़ ना हो ठीक है ये पूरा मुद्दा चलिए दूसरा सवाल आ रहा है देखिए थोड़े आसान आसान सवाल भी लिए उजाला और एस एल एन पी स्कीम किस मंत्रालय से संबंध है उजाला और एस एल एन पी स्कीम इनका किस मंत्रालय के साथ रिश्ता है किससे संबद्ध है केशव ने फिर सबसे पहले उत्तर दिया है और बी को मिनिस्ट्री ऑफ पावर बाकी लोग भी जल्दी से अटेम्प्ट करें सब लोग बी अमित अवनीश अवनीश अमित ने ए मार्क किया है यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर रौनक को सी लग रहा है नीरज ने भी बी बोला है और मोहित को बी रोहित हुई के ए तो ए बी सी सारे विकल्प डी को छोड़कर संचार पे कृपा कर दी आपने बाकी कुछ कुछ विषय आ रहे बहुत पुरानी और बहुत महत्वपूर्ण लेकिन स्कीम्स हैं ध्यान से इसको स्नेहा ने बी मार्क किया और बी ही सही है तो नरेंद्र मोदी साहब ने उजाला के थ्रू एक बहुत बड़ा एम्बिशिय उस समय में जितने रैलियां करी जितने चुनाव में गए सब जगह क्योंकि एक ग्लोबली वैश्विक तौर पर अगर आप देखिए तो इस स्कीम को और इस पूरी योजना को कहीं रिक्निशन भी मिला ठीक है क्यों क्योंकि इंडिया जैसा कंट्री जब एल के थ्रू के जो कि आज भी जो लाइटनिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं एडिसन के बल्ब के आविष्कार के बाद से अब तक तो ये सबसे बड़ा एक तरह से अब ऑर्गेनिक एलई वगैरह भी आ गए हैं बट लाइटनिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें ये आज भी सबसे बड़ी एक विकल्प है इसमें क्लाइमेट चेंज से लेकर इकोनमी से लेकर पावर यूटिलाइजेशन दुनिया भर के लाभ हैं तो ये उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एल फॉर ऑल ये उजाला स्कीम का निर्धार था और एस क्या था स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम इसी का एक तरह से कह सकते हैं इससे संबद्ध भी था क्योंकि जब हाउस को एल दिए जा रहे हैं तो ये जो लाखों स्ट्रीट लाइट्स हैं इनका जो इलेक्ट्रिसिटी जो इसमें वेस्ट होती है उसको लेकर भी और इसका हजारों करोड़ रुपए का सालाना जो लाभ है जो प्रधानमंत्री पूरे देश को बताते रहे तो ये दोनों स्कीम्स अपने शुरुआती कार्यकाल में पहले एक साल में उन्होंने इस विजन को रखा और इन दोनों स्कीम्स को चलाने वाली संस्था है इम्प्लीमेंट करने वाली संस्था है ई ई एस एल एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड इस संस्था के ऊपर भी प्रश्न आए हैं अगर आप प्रिलिम्स के पुराने प्रश्न देखें तो इसके ऊपर भी प्रश्न आए हैं और आने चाहिए क्वेश्चन जो आया था वो उस तरह से था कि एयर कंडीशनर में जैसे स्टार रैंकिंग होती है फाइव स्टार फोर स्टार टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी टू सेव इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा स्टार का मतलब वो ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस है उसको फिर पंखों ट्यूबलाइट सबके लिए इम्प्लीमेंट किया गया और उसमें सवाल पूछा था कि स्टार रेटिंग किन किन से रिलेटेड है वो सारे बिंदु थे तो ये भारत में ऊर्जा क्षेत्र में प्रभावशीलता को एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ईएसएल बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है और ईएसएल एक संयुक्त उपक्रम है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनका जिसमें ऊर्जा से संबद्ध सारे पी आते हैं लगभग और ये ऊर्जा मंत्रालय के अधीन काम करता है यह आपको पता होना चाहिए इई एल ने एलईडी डिस्ट्रीब्यूट करे और स्ट्रीट लाइट्स को भी कन्वर्ट किया जिससे कि ऊर्जा की, की बचत हो सके तो ये सारे बिंदु थे अगला सवाल देखिएगा पर्यावरण से संबद्ध है ध्यान से एक घटनाक्रम जो इस साल बदला है बहुत अपेक्षित है सवाल इस पर आ सकता है देखते हैं इस पर आपकी कितनी पकड़ है कितनी वन्य जीव भारत में रिकवरी प्रोग्राम में शामिल हैं और रिकवरी किसकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज की क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज की कितनी वन्य जीव भारत में रिकवरी प्रोग्राम में शामिल हैं असल में ये चेंज हुआ है इस साल में एक परीक्षा वर्ष में चेंज हुआ है तो इसको देखना है रौनक ने डी से शुरू किया है क्वेश्चन नंबर आगे लिख देना भाई ठीक है अभी तो खैर मैं देख पा रहा हूं तो मैंने रौनक से इसको पकड़ लिया रौनक कह रहे हैं पैंतीस डी है बाकी लोगों का क्या आंकलन कितनी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के शामिल सिर्फ रौनक का जवाब अभी तक आया है डी नहीं मोहित ने ए बारह तो बारह से पैतीस काफी अंतराल और कोई गूगल मत करना भाई या विश्वास अपने प्रति आप पैदा करोगे ऐसा करोगे हमें आकलन लगता है इससे कि किस स्तर पर अभी आपको समर्थन की जरूरत है ठीक है तो हमारे लिए भी गलत हो जाएगा आपके लिए तो गलत है ही मनीष कह रहे हैं डी पैतीस बारह और पैंतीस अभी दो डी ज्यादा लोग डी में ही हैं नीरज भी डी कह रहे हैं चलिए इंतजार करूं मैं कुछ और उत्तरों का नागेंद्र सी बता रहे हैं बाईस बारह बाईस पैंतीस तीस तीन हमारे पास अभी आ, आधार हो गए बारह बाईस पैंतीस चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को देखिए स्टैंडिंग जो नेशनल इसमें सवाल मैंने बहुत इजी बना दिया था उद्देश्य है आपको उस परिवर्तन को उस करंट के डेवलपमेंट को समझाना जो परीक्षा में आ सकता है ठीक है तो इसको हम लोग देखते हैं स्टैंडिंग कमिटी है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की जिसको एस सी एन बी एल कहते हैं महत्वपूर्ण समिति है क्योंकि बड़े मुद्दों पर फैसले लेती है तो स्टैंडिंग कमेटी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ उसने हालिया समय में इम्प्रूव किया है अप्रूव किया है एडवाइजरी फॉर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मानव और जो वाइल्ड लाइफ है उसके बीच जो संघर्ष जो आपको अलग अलग स्तरों पर दिख रहा है उसको लेकर देश में इस कमिटी ने कुछ अपनी एडवाइजरी सलाह अपनी जो है उसको अप्रूव किया कमिटी ने इस अप्रूवल के साथ साथ कैरेकल नाम का कैरेकल ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है एक वाइल्ड कैट है ना एक पालतू नहीं है वाइल्ड एक बिल्ली है वाइल्ड कैट जो राजस्थान में और गुजरात में पाई जाती है इसके कुछ इलाकों में कैरेकल वाइल्ड कैट को शामिल किया गया है लिस्ट ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज जिनका की रिकवरी प्रोग्राम चलता है तो कैरेकल ध्यान रखना है और कैरेकल को जोड़कर अब कितने हो गए 22 वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हो गई रिकवरी प्रोग्राम में जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए इंडिया में चल रहा है इंडिया में जो चल रहा है उसमें आपको अब आप बाईस स्पीशीज दिखेंगी अब आप अगर पिछले साल के प्रश्न पत्रों को देखिए तो आपको ये जो नाम सारे दिख रहे हैं इनमें से कई नाम आपको दिखेंगे और अब आपको समझना चाहिए कि वाई देवर फ्रीक्वेंटली आज इन पे फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस क्यों होते हैं क्योंकि ये उन पहले 21 थे अब 22 हो गए कैरेकल को जोड़कर तो आप देखिए कौन सी स्पीशीज अब तक रिकवरी प्रोग्राम में शामिल थी स्नो लेपर्ड बस्टर्ड जिसमें कि फ्लोरिकन्स भी शामिल हैं डॉल्फिन, हंगुल नीलगिरी टार मरीन टर्टल्स, टर्टर्स एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट एशियन वाइल्ड बफेलो निकोबार मेगापोड, मणिपुर ब्रो एंटेलर डियर वल्चर्स मालाबार सिबेट इंडियन राइनासोरस एशियाटिक लाइन स्वैंप डेयर अरेबियन सी हम वेल और रेड पांडा ज्यादातर इनको इनमें से ज्यादातर को आप देखेंगे आपके पेपर में पीटी में पूछा जा चुका है अब इसको पढ़ने का तरीका यह है कि ये तो सूची हो गई एक प्रश्न अगर आ जाए इनमें से कौन सी रिकवरी प्रोग्राम में शामिल है कौन से नहीं है तो आपने सामान्य तौर पर नाम तीन चार बार पढ़ लिए, देन यू कैन एलिमिनेट कि भाई ये था और ये नहीं था पर आपका काम उतने से इन्वायरमेंट में चलेगा नहीं आप इन सब को अब इन्वायरमेंट में यही सब पढ़ते हैं आप और क्या पढ़िएगा ये कौन सा कहाँ पर विशेषता है कहाँ कौन से नेशनल पार्क कौन से रीजन में कौन सी टेरिटरी में थोड़ा सा इसको इस तरह से पढ़िएगा कि स्नो लेपर्ड आपसे पूछ सकता है कुछ कंडीशन दे दे टेम्परेचर की रेनफॉल की किसी और जोग्राफिकल फीचर की और पूछे कि बताइए इनमें से इन स्पेशीज में से कौन सा यहाँ पाया जाता है तो थोड़ा सा इस तरह आप दोनों चीज़ों को मिलाकर अगर पढ़ें तो आपको आसानी होगी ये इक्कीस प्रजातियाँ जो रिकवरी प्रोग्राम में क्रिटिकली एंडेंजर्ड के शामिल हैं और इसमें एक उसमें जुड़ गया है रिकवरी प्रोग्राम इट इज वन ऑफ द द थ्री ऑफ सेंट्रली फंडेड स्कीम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट आई डी ये भी इन्वायरमेंट का एक इंपॉर्टेंट परंपरागत विषय है इसको भी आप पढ़ते हैं आई डी डब्ल्यू एच इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के जो प्रमुख घटक हैं उसमें से एक रिकवरी प्रोग्राम भी है जो कि ऐसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज को उनको बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट 2008 2008-9 से आई चल रहा है और इसमें एक सहयोग सपोर्ट दिया जाता है प्रोटेक्टेड एरियाज को प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कॉन्जर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व ध्यान ये रखना है आई डी में टाइगर रिजर्व शामिल नहीं होते इनका अलग टाइगर कंजर्वेशन के अलग पूरे एफर्ट्स हैं उसके लिए पूरी अलग पृथक व्यवस्था है ठीक है तो ये सारी बात है और इस आधार पर रिकवरी प्रोग्राम चलता है उद्देश्य है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज को और उनके हैबिटेट्स को सुरक्षित रखा जा सके तो ये पूरा मसला था मैं फिर कह रहा हूँ कैरेटिल को नाम को ध्यान रखिएगा जो 22वीं स्पीशीज में ऐड की गई अगला प्रश्न अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से रिलेटेड रे, है इसको करिए किस देश ने आपके परीक्षा वर्ष में जो ब्रिक्स का बैंक है जिसको एनडीबी कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक उसको डिफॉल्ट किया है डिफॉल्ट का मतलब उनको कुछ पैसा देना था जो वो नहीं दे पाए इसको सोवरेन डिफॉल्ट भी कहते हैं बताइए चार में से किस देश की अर्थव्यवस्था इस स्तर पर आ गई कि वो एनडीबी को अपना जो उसका संकल्प था वो संकल्प पूरा नहीं कर पाया मनीष कह रहे हैं ए नागेंद्र बी ठीक है मनीष आपका आंसर आ गया ए।, ए और बी में नीरज भी ए अवनीश भी ए तो सब लोग ब्राजील की अर्थव्यवस्था को एक संकट की अवस्था में देख रहे हैं केशव ने भी ये बोला है रोहित का भी आंसर ए है चलिए और कुछ आंसर अमित कहा हो भाई अमित स्नेहा रौनकोर ट्वेल्व डी बता रहे हैं चाइना चाइना ने डिफॉल्ट कर दिया रौनक भी ये कह रहे हैं क्या लग रहा है अमित आंसर दो देखिए आंसर ब्राजीली है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ऑफ ब्राजील हैज अनाउंस डेट इट हैड डिफॉल्टेड ऑन इट्स कैपिटल इंस्टॉलमेंट देखिए एनडीबी काम कैसे करता है एनडीबी पर भी क्वेश्चन आया हुआ है ना इस पर भी जो ब्रिक्स का बैंक है उस पर भी प्रश्न आया हुआ है और एक और बैंक है ए आई आई बी ठीक है इस पे भी प्रश्न आया है कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं प्रतियोगी आप लोग जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है इसको चाइनीज लेड है ठीक है ये आप कह सकते हैं कि अपनी बेल्ट और रोड रणनीति के लिए चीन ने इसको प्रमुखता स्थापित किया है हालांकि इसमें बहुत सारे सहयोगी देश हैं लेकिन ब्रिक्स में चीन चाह रहा था उसकी बादशाहत हो पर ऐसा हो नहीं पाया तो दिस इज ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स एनडीबी को क्यों बना रहे क्योंकि जो ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं जिनको हम कहते हैं ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं इनके जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कितनी बार तो यही क्वेश्चन पूछता है कि भाई ब्रिटेन वुड्स ट्विन्स क्या हैं ब्रिटेन वुड्स ट्विन्स क्या हैं तो ये हैं आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया को राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पुनर्निर्मित करना है पहले तबाह कर दिया फिर उसको बनाना है बनाने का ठेका इन्हीं पश्चिमी जो आज के हमारे विकसित देश हैं जो समूह है गुट है इन्हीं लोगों ने प्रमुखता अपने कंधे पर लिया यूरोप और अमेरिका उसमें सबसे बड़े नेता थे तो बेसिकली ये जो व्यवस्थाएं बनी उस समय उनकी संरचना में दोष है वो दोष ऐसा है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाओं पर जो नीति निर्माण की प्रक्रिया है द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग उसमें ये कंट्रीज कहीं ना कहीं इस तरह का मेकेनिज्म क्रिएट किया गया है कि दे ओवर पावर उनका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग है अब इसको रिफॉर्म करना है रिफॉर्म चाइना भी चाहता है इंडिया भी चाहता है तो ये जो आप एक टॉपिक पढ़ते हैं ना कि डेमोक्रेटाइजेशन आप इस चीज को पढ़ते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण तो इसमें देखिए ये संस्थाएं क्या हैं ये संस्थाएं पॉलिटिकल भी हैं ये संस्थाएं इकोनॉमिक भी हैं और होने को सोशल और बाकी एस्पेक्ट्स पर भी हैं डब्ल्यूएचओ एच ओ और इन सब यूनिसेफ इनका भी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो चूंकि यू एन से ही गाइड होता है तो अगर पॉलिटिकल लेवल पर देखें तो भाई यू एन का ही रिफॉर्म बहुत बड़ा मुद्दा है ठीक है इकनॉमी के लेवल पर देखें तो बेसिकली आपको डब्ल्यू टी ओ दिख जाएगा लेकिन असल लड़ाई इन ब्रिटेन वुड्स ट्विंस पर है जिसको हम आई एम एफ वर्ल्ड बैंक कहते हैं ये आपके एग्जामिनेशन का एक बहुत बड़ा आधार भी है तो आप इन सारी बातों को इन मुद्दों को ध्यान में रखिएगा तो जब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक शुरू हुआ था तो ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स देशों ने दो में ये जब शुरू हुआ तो ब्राज़ील ने भी सहमति दिखाई थी कि मैं इस बैंक को अब बैंक है तो उसमें कैपिटल चाहिए कैपिटल कहाँ से आएगी तो सब देशों ने ओवरऑल अपना संकल्प रखा था और ब्राज़ील ने कहा था कि मैं सात किश्तों में सात इंस्टॉलमेंट्स में आई विल कॉन्ट्रीब्यूट वट एवर आई एम सपोज टू गिव अब कंट्री ने बेसिकली ये जो पूरा उसकी इकोनमी में टर्मोइल चल रहा है इसमें उसके दो डिफॉल्ट हो गए और साढ़े तीन सौ मिलियन यूएस डॉलर्स इतना पैसा उसको देना बाकी था ये आपको दिखेगा चलिए अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है इसको जरा देखिए सवाल ध्यान से समझिएगा वित्त मंत्रालय ने नागरिक केंद्रित कितने सुधारों को राज्यों के लिए प्रस्तावित किया है अगर राज्यों को अपनी सीमा से अधिक ऋण लेना है बोरो करना है तो वित्त मंत्रालय ने कितने ऐसे कार्यक्रमों पर उनको काम करने को कहा है कि भाई आप इन क्षेत्रों में अगर सुधार करोगे तो आप जो आपकी स्टेट जीडीपी होती है एस जीडीपी है ना अगर देश की जीडीपी है तो स्टेट की भी है उसका एक सर्टेन परसेंटेज वो लोन वो बोरो कर सकते थे वो लिमिट बढ़ाने की बात भारत के वित्त मंत्रालय ने कही अगर राज्य कुछ कार्यक्रम जो कि नागरिकों के लिए इंपॉर्टेंट है उसमें काम करते हैं आंसर आने लगा है मनीष ने बी बोला है चार चार कार्यक्रम मुझे तो कार्यक्रम आपको बताने हैं लेकिन प्रश्न के थ्रू मैं थोड़ा एक भूमिका और आपकी जानकारी को भी थोड़ा असेस कर लेते क्या उत्तर चार है बाकी लोग भी आंसर करें स्वॉर्ड कह रहे हैं आठ नीरज भी आठ पर केंद्रित हैं रौनक को चार लग रहा है अभी तो पलड़ा ब, बराबर बराबर है बीओडी में गुड इवनिंग आशुतोष देखिए उत्तर चार है ठीक है तो खैर सूचना छोटी सी है बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए है ना और नाम कार्यक्रमों के पता होने चाहिए फिर ये चारों मुद्दे भी हैं जिन पर फर्दर और क्वेश्चन आ सकते हैं और इनको हम कर रहे हैं एक एक करके अब देखिए पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर हमने शुरू में क्लास में बात करी ठीक है तो आप ध्यान से एक एक विषय में कई उप विषय और कहीं से भी कुछ प्रश्न आ सकता है तो यह आपकी परीक्षा का एक मूल आधार बनना चाहिए मसला यह है कि वित्त मंत्रालय ने राज्यों को अनुमति प्रदान करी है कि संकट का समय है रेवेन्यू राजस्व हर स्तर पर चुनौती है केंद्र के लिए है तो राज्यों के लिए भी है तो वो अपने जीडीपी का राज्य अपने जीडीपी का पॉइंट टू फाइव परसेंट अतिरिक्त जो उनकी सीमा है उससे ज़्यादा वो फंड जुगाड़ कर सकते हैं लोन ले सकते हैं बोरो कर सकते हैं अगर वो चार नागरिक क्षेत्र क्षेत्रों में सुधार करते हैं चार ऐसे मसले जो सीधे सिटीजन्स को बहुत इम्पोर्टेंट उनके लिए हैं क्या मसला है एक है वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था जिसमें पहले कुछ गैर भाजपा शासित जो राज्य थे वो बहुत Uh, इसको लेकर संभल कर चल रहे थे बट ग्रेजुअली आप देखिए कि ज्यादा से ज्यादा राज्य सब पार्टिसिपेट uh, कर रहे हैं तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम सेकंड उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कल ही हम इस विषय को कर रहे थे है ना इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म में उनको कुछ कदम उठाने होंगे तीसरा मुद्दा है अर्बन लोकल बॉडी शहरी स्थानीय जो संस्थाएं हैं उनमें जो रिफॉर्म्स प्रस्तावित हैं उन पर वो काम करें और चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट इस बार का थीम होगा पावर सेक्टर पावर सेक्टर पर केंद्रित में क्वेश्चंस इस बार बहुत एक्सपेक्टेड हैं तो ये चौथा क्षेत्र है तो अगर राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स और पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर काम करते हैं तो उनको 0.25 परसेंट अतिरिक्त अपने जीएस अपना जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका वो बोरो कर सकते हैं चारों कार्यक्रम भी आपके सामने आ गए चलिए अगला बिंदु प्रवासी भारतीय दिवस का थीम जल्दी से भाई ये तो बहुत सरल है बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस का थीम केशव भी बी को मोहर लगा रहे हैं सब लोग बी अवनीश मोहित सब लोग बी पर ही मोहर लगा रहे हैं जो कि स्वाभाविक सी बात है अच्छा बताइए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है और उसी तारीख को क्यों मनाया जाता है लिखिए कमेंट सेक्शन में जरा हालांकि अब ये तीन चार दिन का जलसा हो गया पर दिवस जो है दिवस तो एक दिन ही होता है अमित कह रहे हैं पंद्रह जनवरी नहीं बाबू हाँ नौ जनवरी और नौ जनवरी को क्यों होता है ये भी बताइए जल्दी से वाई इज इट बींग सेलिब्रेटेड ऑन नाइन्थ जैन गांधी जी से इसका रिश्ता तो है ही और प्रवासी जो भारतीय हैं उनको गांधी जी से रिलेट करना भी येस आशुतोष हैज करेक्टली रिटर्न दंसर बिकॉज ऑन नाइन्थ ऑफ जनवरी महात्मा गांधी एक्चुअली रिटर्न हाँ केशव जो कह रहे हैं कि भाई ये तो एक रोल मॉडल है कि गांधी जिस तरह बाहर पढ़ने से लेकर और दक्षिण अफ्रीका में जो उनका एक अपना एक कहते हैं कि उनके अंदर का आंदोलन जीवी गांधी से बड़ा आंदोलन जीवी कौन है आंदोलन जीवी शब्द भी आप जानते हैं कि सुर्खियों में चर्चा में रहा तो बेसिकली वो बात थी तो थो थोड़ा सा इसको देखते हैं सॉरी तो ये ऑब्वियसली इसका आंसर था इसको आप देख सकते हैं एसोसिएटेड आंसर चलिए एक सवाल थोड़ा सा अर्थव्यवस्था से है थोड़ा सा मुश्किल किया है इसको जरा इसका जवाब देने की कोशिश करिए पीपीपी मॉडल बहुत चर्चा में रहा है आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है इनको कई उप विषयों में बांटा जा सकता है इसमें एक हैम है हाइब्रिड एनविटी मॉडल इसी तरह ईपीसी मॉडल है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल दो कथन है दोनों को जरा तराशिए और बताइए कि क्या सही लग रहा है पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इन दो मॉडल्स को लेकर दो कथन है पहला कथन कहता है कि हैम मॉडल में केंद्र सरकार कुल जो लागत है प्रोजेक्ट की उसका 60 प्रतिशत वहन करती है और ईपीसी को लेकर जो कथन है उसमें है कि पूरा जो कॉस्ट है वो सरकार वहन करती है अमित सॉरी आशुतोष ने ऐसे शुरू किया है वन ओनली वन ओनली वन इज करेक्ट सेकेंड इज नॉट करेक्ट उसके बाद मनीष बी टू ओनली दूसरा सही है पहला गलत नागेंद्र सी नीरज ए अवनीश ए डी डी सी डी बी सारे विकल्प आ रहे हैं ठीक है अब देखते हैं दोनों मॉडल्स को हम लोग पड़ताल करते हैं अमित ए कह है रहे हैं वन ओनली आंसर बी है ये साठ परसेंट नहीं है ठीक है को हैं को मॉडल थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है तो आप जानते हैं कि गडकरी साहब का जो नेशनल जो मतलब उनका सड़क परिवहन जो मंत्रालय है काफी सक्रियता से काम कर रहा है तो हैम मॉडल लगातार चर्चा में है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचए ने निर्णय लिया कि हम परफॉर्मेंस असेसमेंट और रैंकिंग करेंगे सारे जो महामार्ग हैं देश में उनकी और ओवरऑल रैंकिंग के साथ साथ जितने भी ये कॉरिडोर्स हैं उनकी सेपरेट रैंकिंग होगी और इसी रैंकिंग में जो अलग अलग मॉडल्स हैं जिनके थ्रू हाईवेज को मैनेज किया जाता है उनको भी यहाँ पर देखा जाएगा ठीक है तो बेसिकली बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बॉट मॉडल है इसी में बोल्ट होता है सारे मॉडल्स आप अलग अलग जानते हैं बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर हाइब्रिड एनविटी मॉडल और ईपीसी इन सब प्रोजेक्ट्स को भी अलग अलग एनालाइज किया जाएगा डिफरेंट हाईवेज में क्या क्या मॉडल है उसका क्या आउटपुट आ रहा है अगर बॉट की बात करें बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर तो ये कन्वेंशनल पीपीपी मॉडल रहा है जिसमें क्या होता है प्राइवेट पार्टनर जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि तुम डिजाइन करो तुम बनाओ तुम एक समय तक उसको 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 ऑपरेट ऑपरेट भी भी करो operate करने का मतलब है 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 रेवेन्यू मिल रहा है, जो भी टोल वगैरह वो कलेक्ट कर रहा है और ये इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है कि इस समय तक क्योंकि उसने बनाया है तो पैसे उसने खर्च करें तो वो जब एक म्यूचुअल अग्रीमेंट गवर्नमेंट और उसके बीच होता है पब्लिक प्राइवेट अग्रीमेंट कि इस पीरियड तक तुम इसको करोगे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और उसके बाद इसको सरकार को सौंप दोगे फिर उसके बाद हाईवे सरकार के नियंत्रण में आ जाता है हैम मॉडल बॉट में प्रॉब्लम्स थी एक्चुअली करप्शन बहुत रैमपेंट था तो जो टाइम पीरियड्स हैं जिसमें ये लोग टोल वसूलते हैं वो इतना बड़ा होता है कि लागत से बहुत ज्यादा मतलब मुनाफा भी अंधाधुंध कमाते हैं हैम में सेंट्रल गवर्नमेंट चालीस प्रतिशत जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो देती है साठ परसेंट नहीं है चालीस परसेंट कास्ट है ठीक है और रिमेनिंग जो पैसा साठ परसेंट बचा ये जो डेवलपर है जो जिन भी पार्टीज़ को दिया गया है स्ट्रेच अलग अलग वो उसका जुगाड़ करते हैं ई मॉडल में ये सही बात है कि कॉस्ट कंप्लीटली गवर्नमेंट इसको बियर करती है गवर्नमेंट को पता होता है कि हम यहाँ टोल के थ्रू हम इसको इसका जो वैल्यूएशन है उसको हम निकाल लेंगे ठीक है तो वो ईपीसी खाली उसका टेक्निकल यूज बनाने के लिए किया जाता है प्राइमरली तो इस बात को ध्यान रखिएगा चलिए कुछ विषय ये प्रश्न थे आज के कुछ विषय भी मैं जल्दी से करता हूँ जिससे कि हम कुछ बात को आगे भी बढ़ा सकें इस बार एक ये स्टार्स प्रोग्राम मुझे काफ़ी संभावित विषय लग रहा है वर्ल्ड बैंक का ये कार्यक्रम है शिक्षा जैसे क्षेत्र में ओवरऑल इसको हम देखते हैं ठीक है तो हम ब्रॉडली स्टार्स प्रोग्राम के थ्रू एजुकेशन uh, में जो इंडिया में रिफॉर्म्स करने की बात है उसको आप समझ सकते हैं तो वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स का मतलब क्या है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड देन जब आप लर्निंग और टीचिंग को आप इम्प्रूव करोगे तो रिजल्ट तो आपके इम्प्रूव होंगे ही तो ये शिक्षा के सारे आयामों को है ना और इसमें सिर्फ विद्यार्थियों पर फोकस नहीं है कि देश स्टूडेंट्स फोकस में नहीं है ये टीचर्स को भी रिफॉर्म करना और उनके लिए ये इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट बनता है स्टार्स प्रोग्राम विल इम्प्रूव द क्वालिटी और ये ध्यान रखना गवर्नेंस ऑफ स्कूल तो सिर्फ क्वालिटी शिक्षा की नहीं है स्कूल एजुकेशन में गवर्नेंस का इम्प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसको भी वर्ल्ड बैंक अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ कोऑपरेट कर रहा है और फिलहाल भारत के छह राज्यों में जिनमें हिमाचल प्रदेश केरला मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा और राजस्थान में समग्र शिक्षा जो रणनीति थी उसके अंतर्गत स्टार्स प्रोग्राम को आगे चलाया जा रहा है प्रभाव देखिए ढाई मिलियन बच्चों को ओवरऑल जो 6 से 17 आयु वर्ग के होंगे उनको ये स्टार्स प्रोग्राम उन तक पहुंचेगा उनके लाभ के लिए केंद्रित है ढाई सौ मिलियन ठीक है डेढ़ मिलियन स्कूल दस मिलियन टीचर्स इनको केंद्र में रखकर ये पांच सौ मिलियन डॉलर की एक ये तो इनिशियल प्रोजेक्ट वो था उसके बाद इसमें और पैसे टाइम टाइम पर आएंगे तो एक बहुत एम्बिशियस बहुत महत्वाकांक्षी वर्ल्ड बैंक भारत के साथ मिलकर इसको काम कर रहा है छह राज्यों में शिक्षक और छात्र दोनों पर केंद्रित रणनीति है पब्लिक स्कूल एजुकेशन पर फोकस्ड है सरकारी स्कूल एजुकेशन और ये जो कंट्री का जो गोल है हम एजुकेशन फॉर ऑल के गोल पर चल रहे हैं उसको सपोर्ट करेगा और वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए टोटल अब तक तीन बिलियन डॉलर पैसे देखिए थ्री बिलियन डॉलर्स से ज़्यादा लगातार इसमें हर कुछ महीने पे नया राशि आ जाती है तो आप स्केल जो है वो बहुत बड़ा है इसको इसलिए इम्पोर्टेंट मान सकते हैं क्या किया जाएगा इस स्टार्स प्रोग्राम में टू तो इम्प्रूव लर्निंग असेसमेंट सिस्टम्स जो भी शिक्षा दी जा रही है उसको जो असेस किया जाता है कि कितना क्या बच्चे सीख पा रहे हैं नहीं सीख पा रहे हैं उस असेसमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करना है क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए फैसिलिटेट करना स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन मतलब स्कूल से जो शिक्षा प्रणाली है वो कामगारी कामगार शिक्षा वोकेशनल लेवल पर उसको इम्पोर्टेंस कैसे दी जाए उसको फैसिलिटेट करना और बेसिकली गवर्नेंस को एजुकेशन के सेक्टर में और जो प्रबंधन है उसको भी केंद्रीकृत करके भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना ये महत्वाकांक्षी उद्देश्य इस योजना में आपको दिखेंगे स्टार्स प्रोग्राम इंडिया को सपोर्ट करेगा कि हम अपने फोकस को रेन्यू कर सकें लर्निंग आउटकम्स ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है आउटकम्स को कभी भी इंडिया में एजुकेशन में आउटकम्स को कभी बहुत ज़्यादा इसको महत्व नहीं दिया जाता है डिग्रियां बांटी जा रही हैं बट आप, आप देखेंगे नीति आयोग अलग अलग अपने इंडेक्सेस के थ्रू भी कोशिश कर रहा है कि हम हर लेवल पर चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो चाहे वो मिडिल सेकेंडरी एजुकेशन हो चाहे वो हायर एजुकेशन आप प्रस्ताव देखिए कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्सेज करने के बाद एक एग्जिट टेस्ट होगा कि आपने चार साल इंजीनियरिंग करी आपका आउटपुट क्या है तो एग्जिट टेस्ट जो कि उस कॉलेज के द्वारा नहीं किसी और संस्था के द्वारा होगा तो रियल वैल्यूएशन आप कर सकें कि आपकी शिक्षा प्रणाली किस तरह काम कर रही है तो वही चीज़ें आपको स्टार्स प्रोग्राम में स्कूल के लेवल पर भी आपको दिखेंगी ठीक है एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा सारे स्टेक होल्डर्स को सारे अंशधारकों को जो इस प्रक्रिया में शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल हैं, जिसमें पेरेंट्स भी हैं उनको इसमें जोड़ने की एक बात कही गई है और उनकी अकाउंटेबिलिटी उनका इंक्लूजन जिससे कि वो बेहतर इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ सकें और इससे सीधी बात है एजुकेशन का इन जनरल भला भी होगा इस स्टार्स प्रोग्राम में जो वल्नरेबल जो वंचित वर्ग हैं उन पर विशेष बल देने की बात है 52 परसेंट से ज्यादा ठीक है बच्चे जो सरकारी स्कूलों में हैं इन छह राज्यों में जहां कार्यक्रम चलाया जा रहा है ये वल्नरेबल सेक्शन से आते हैं तो आधी से ज्यादा जो इन स्कूलों में जो प्रेजेंस है अटेंडेंस है वो वल्नरेबल सेक्शन से है जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग हैं तो इनको इस प्रोग्राम में विशेष एक महत्व देने की बात भी है करिकुलम पर फोकस होगा पाठ्यक्रम को सुधारने पर फोकस होगा टीचर्स को इक्विप करना है कि वो ओवरऑल जो हम आउटकम बेस्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं प्लस टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल है जैसे ऑनलाइन वगैरह में अभी आपने देखा वो सब चीजें भी आएंगी फाइनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर चार जो शिक्षा से संबद्ध है उसको भारत में स्ट्रेंदन करने के लिए और जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे एक होता है एजुकेशन के क्षेत्र में उसमें उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए भी स्टार प्रोग्राम काफी महत्वपूर्ण होगा ये एक संभावना उम्मीद लगाई जा रही है इस बात को भी ध्यान रखिए एक और कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र से ही प्रज्ञाता मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गाइडलाइंस इशू करी जो डिजिटल शिक्षा कैसे दी जा सकती है या कैसे दी जानी चाहिए इन बिंदुओं पर केंद्रित है कोरोना काल में डिजिटल एजुकेशन आप सब अभी इस क्लास के माध्यम से ही समझ रहे हैं कि इसने क्या रूप ले लिया है तो इन गाइडलाइंस को क्या नाम दिया गया है प्रज्ञाता तो ध्यान ये रखना है कि प्रज्ञाता शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा के जो मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए गए हैं उनको नाम दिया गया है गाइडलाइंस प्रिपेयर करी हैं एन -E ने और ये सिर्फ सलाहकारी प्रकृति की गाइडलाइंस हैं ध्यान रखना है ये मैंडेटरी नहीं है मैंडेटरी नहीं है शिक्षा कौन सी सूची में है सातवीं सूची में शिक्षा कहां पर है संघ राज्य समवर्ती जरा बताइए कमेंट सेक्शन में एजुकेशन किसमें आता है समवर्ती अमित कह रहे हैं समवर्ती सूची बाकी लोग किसी को और कुछ नागेंद्र कह रहे हैं राज्य सूची का विषय अच्छा मैं एक आपको टास्क दे रहा हूं क्योंकि ये भी एक पढ़ने का अच्छा तरीका है आपके पास एक दो दिन का समय है ठीक है उसमें आप जो प्रमुख क्योंकि एक प्रश्न ये पॉलिटी में इन जनरल आई जाता है हर साल घुमा फिरा के है ना तो आप जो केंद्र सूची है जो राज्य सूची है और जो समवर्ती सूची है इस पर एक बार अच्छे से नज़र डालिए खास तौर से जो विवादित थोड़े से विषय हो सकते हैं मैं इस पर फोकस तीन चार पांच क्वेश्चन आपसे करूंगा आ, एक दो दिन के बाद ठीक है तो वो देखते हैं आपने कितना उसको रिकॉल किया इस तरह मैं थोड़ा आपको पुश कर रहा हूं कि आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करें क्योंकि अभी स्थिति जो है वो थोड़ा सा देखकर मुझे लग रहा है कि मजबूत होने की ज़रूरत है क्लियर है समझ गए और एक चीज़ और अभी क्लास में जैसे आज संडे है तो ये मंडे और ट्यूसडे अगले दो दिन भी सेम नौ बजे मैं क्लास लूँगा कोशिश करूँगा आगे के हफ्तों में भी संडे मंडे और ट्यूसडे यही हम नौ बजे का अपना कार्यक्रम रखते हैं क्योंकि अभी इस महीने मुझे इस समय पे थोड़ी सुविधा है इसमें मैं कहीं और व्यस्त नहीं हूँ क्लियर है तो कल परसों तो है ही और फिर आगे के अगले हफ्तों में भी संडे मंडे ट्यूसडे नौ बजे मानकर चलिए क्लास होगा अगर कुछ चेंज है तो उसको हम लोग चैनल पर बता देते हैं चलिए तो सलाहकारी इसीलिए है कि राज्यों के ऊपर ये बोझ नहीं है उनको ये कहने का मौका ना मिले कि भाई सहयोगी संघवाद के नाम पर हमारे साथ हमारा उत्पीड़न हो रहा है ठीक है और इस बात को सिर्फ एडवाइजरी सलाहकारी रखा गया है मैंडेटरी नहीं है ये भी इंपॉर्टेंट बात है गाइडलाइंस में आठ चरण आठ स्टेप्स बताए गए हैं जिनको प्लान रिव्यू अरेंज, प्रज्ञाता नाम कैसे आया वो देख रहे हैं आप प्लान रिव्यू अरेंज, गाइड टॉक असाइन ट्रैक अप्रिशिएट ठीक है इस तरह से आपको ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा को चलाना है कुछ खास बात नहीं है आप प्लान करो फिर रिव्यू करो अपने कैसे आप कर रहे हो अरेंज करो चीज़ों को गाइड करो अलग अलग स्टेक होल्डर्स को सामान्य सी बात है सिर्फ ध्यान रखने की बात है तो डिजिटल क्लास ओवरऑल कहीं मतलब आ, जो फेस टू फेस क्लासरूम्स में जो शिक्षा जिस तरह से डिलीवर होती थी उससे कहीं बहुत पीछे ना चले जाएं हम इसके थ्रू भी सार्थक शिक्षा को कहीं आगे बढ़ा सकें इसके लिए प्रज्ञाता नाम की गाइडलाइंस को इश्यू किया गया है इसमें स्कूल्स को ये एडवाइस किया गया है कि वो अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो तो टीचर्स के लेवल पर अवेलेबल कराएं स्टूडेंट्स को भी उसके बारे में जानकारी दें और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट भी इसमें रखें कि क्या क्या चुनौतियाँ आ रही हैं जिससे कि उसको सुधारा जा सके ठीक है सिंक्रोनस या रियल टाइम कम्युनिकेशन ठीक है रियल टाइम टीचिंग जैसे लाइव अभी आप कर रहे हैं इसका अपना एक आधार होता है है ना जो मतलब एक प्रैक्टिकली uh, भी हमने देखा है कि स्टूडेंट्स दे लाइक लाइव क्लासेज रादर देन रिकॉर्डेड सेशंस अगर उनको दिखाए जाए तो ये प्रज्ञाता में भी है कि रियल टाइम टीचिंग और लर्निंग जिसमें कोलेबोरेशन हो सके ठीक है हम असेस कर सकें आउटकम बेस्ड लर्निंग क्या है मैं सवाल पूछकर क्यों आपसे जवाब देख रहा हूँ क्योंकि मुझे आउटकम देखना है कि कैसे आप उस चीज़ को क्या गलती कर रहे हैं क्यों गलती कर रहे हैं क्या मैं उसको कुछ करेक्ट कर सकता हूँ उसमें क्या एडिशनल टास्क आपको दिया जा सकता है तो दीज आर ऑल बेनिफिट्स ऑफ रियल टाइम कम्युनिकेशन और लाइव क्लासेज और इसीलिए हमारे अकेडमी पर कोशिश करते हैं यथा संभव हमारे नाइन्टी से ज़्यादा जो क्लासेज हैं तो आपको लाइव उसमें इसीलिए दिखेंगे तो ये सारी बातें थी इसको आप देख सकते हैं चलिए एक विषय और ले लेता हूं एक्सलरेट विज्ञान स्कीम साइंस टेक्नोलॉजी पर कुछ भी नया कार्यक्रम अभियान हो उस पर केंद्रित प्रश्न आते हैं एक ये साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है एस उसने लॉन्च करी है स्कीम जिसका नाम है ए वी विज्ञान तो एवी स्कीम उद्देश्य क्या है स्ट्रेंदन साइंटिफिक रिसर्च मैके कंट्री तो जो वैज्ञानिक अनुसंधान प्रक्रियाएं हैं वैज्ञानिक अनुसंधान प्रक्रियाएं देश में बेहतर हो सके उनको स्ट्रॉन्ग किया जा सके दिस इज देश्जेक्टिव ऑफ ए वी एक्सीट विज्ञान स्कीम टू गिव मोर थ्रस्ट ऑन एनकरेजिंग हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड प्रिपेरिंग साइंटिफिक मैन पावर न लीड टू करियर इन रिसर्च एंड नॉलेज बेस्ड इकॉनमी टू एक्सपैंड के मूल आधार को बढ़ाया जा सके और इसमें तीन वृहद जो लक्ष्य है कंसोलिडेशन एग्रीगेशन ऑफ ऑल साइंटिफिक प्रोग्राम्स इनिशियटिंग हाई एंड ओरिएशन वर्कशॉप और क्रिएटिंग ऑपरचुनिटीज फॉर रिसर्च इंटर्नशिप अब अनुसंधान का आधार कैसे बढ़ाया जा सकता है आप जितने भी वैज्ञानिक कार्यक्रम चल रहे हैं अलग अलग छोटे छोटे बिखरे बिखरे उनको पहले कंसोलिडेट करें एग्रीगेट करें फिर इस पर कार्यशालाओं का आयोजन हो जिसमें हाई एंड ओरिएंटेशन कोर्सेज के थ्रू आप जो युवा वैज्ञानिक वगैरह हैं उनको आप प्रेरित कर सकें तीसरी बात आप रिसर्च के क्षेत्र में इंटर्नशिप्स वगैरह के माध्यम से अवसरों को क्रिएट करें जिससे कि अधिकाधिक लोग अनुसंधान परक गतिविधियों में भाग ले इसी से जुड़ा एक अभ्यास प्रोग्राम भी है पर नजर डालिएगा। अभ्यास प्रोग्राम एक प्रयत्न है टू बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री बाय एनेबलिंग एंड ग्रूमिंग पोटेंशियल पीजी एंड पीएचडी स्टूडेंट्स बाय मीन्स ऑफ डेवलपिंग देयर रिसर्च स्किल्स इन सिलेक्टेड एरियाज Across different disciplines or fields. इसमें देखिए अभ्यास में बेसिकली जो संभावित जो परास्नातक स्नातक या जो डॉक्टोरल पीएचडी के क्षेत्र में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अनुसंधान के क्षेत्र में उनको एनेबल और ग्रूम करने पर बल दिया गया है इसके दो कॉम्पोनेंट्स थे एक वही वर्कशॉप्स वगैरह के थ्रू उनको थोड़ा रिसर्च के लिए उनको प्रेरित करना इसको कार्यशाला नाम दिया गया था और दूसरा रिसर्च इंटर्नशिप जिसको वृत्तिका नाम दिया गया था तो प्रश्न ये है कि आपसे पूछ ले कि अभ्यास कार्यशाला वृत्तिका ये किन क्षेत्रों से संबद्ध विषय हैं या कार्यक्रम हैं तो अब आप जानते हैं कि ये देश में रिसर्च के इकोसिस्टम को मजबूत करने पर केंद्रित सारे प्रयत्न हैं इसी तरह एक सम्मोहन नाम की व्यवस्था है जिसको पुनः दो भागों में संयोजिका और संगोष्ठी में डिवाइड किया गया है संयोजिका एक ओपन एंडेड प्रोग्राम है टू कैटेलॉग द कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्टेड बाय ऑल गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज इन कंट्री तो संयोजिका तो देश में जो भी विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में सरकार की जितनी फंडिंग हैं, उन सब के प्रयत्नों के बीच कहीं एक समन्वय स्थापित करने पर केंद्रित है संगोष्ठी एक पुराना प्रोग्राम है साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड का जिसमें वर्कशॉप्स वगैरह का आयोजन किया जाता है जो अभी पीछे आपने अभ्यास में भी देखा और ए बी स्कीम में भी देखा एग्जीक्यूट कौन करता है विभिन्न मंत्रालयों की जो इस विषय से जुड़े हुए हैं उनकी एक अंतर मंत्रालय एक ओवर सिंह कमेटी है जिसमें सारे साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स उनके सब लोग शामिल हैं और ये ए के साथ मिलकर ए बी स्कीम को इंप्लीमेंट करेगा ए क्या है ए एक स्टेट्यूटरी बॉडी है एक स्टैट्यूटरी एक सांवैदिक संस्था है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भाग है और इसको संसद के एक कानून के माध्यम से 2009 में स्थापित किया गया था तो एस एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ये ध्यान रखना 2009 में स्थापित हुई थी ये ध्यान रखना एस की अध्यक्षता भारत सरकार में सचिव स्तर का एक अधिकारी करता है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आता है और इसमें अन्य सरकारी वरिष्ठ अधिकारियों को और वैज्ञानिकों को भी प्रख्यात वैज्ञानिकों को भी इस बोर्ड में सदस्य बनाया जाता है एस क्यों बनाया गया सेटअप किया गया टू प्रमोट बेसिक रिसर्च इन साइंस इंजीनियरिंग एंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू साइंटिस्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज इंडस्ट्रियल कंसर्स एंड अदर एजेंसीज फॉर सच रिसर्च तो एस का एक बड़ा काम वित्तीय तौर पर वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक संस्थाओं को अनुसंधान विकास के क्षेत्र में जो प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं उन सब को सहायता देना भी है तो ये भी एक आपको इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर दिखेगी चलिए ये आज विषय को यहीं रोकते हैं कल फिर कल और परसों मैं आपसे बता चुका हूँ इसी समय पर नौ बजे फिर हम लोग कनेक्ट होंगे और विषय क्रम को आगे बढ़ाएंगे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद नमस्कार रात्रि